नमस्ते, आरती किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल लवली मदर्स। आपको ढेरों शुभकामनाएं हैप्पी मदर्स डे की। तो फ्रेंड्स, आज मैं मदर्स डे स्पेशल मोहब्बत का शरबत की रेसिपी लाई हूँ, जिसे शरबत मोहब्बत भी कहते हैं। और ये सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। नाम में ही इतनी मोहब्बत है, तो पीने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और सबको बेहद ही पसंद आएगा। ये डेली स्पेशल है। आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे हम एक तरबूज लेंगे। इसे मैंने अच्छे से पानी से धोकर बाहर से ही पहले साफ़ कर लिया था, क्योंकि अभी कोरोना टाइम है तो हमको सब्जियाँ और सब कुछ अच्छे से धोकर ही यूज़ करना है। उसके बाद इसे हम इस तरह से सारे बीज निकाल के इनको छोटे बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। 1 कप जितने मैंने इनको बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है और 1 कप तरबूज के टुकड़ों को मैंने जूस बना के मिक्सी में रेडी कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और इसमें मैंने 1/2 लीटर जितना एकदम ठंडा चिल्ड दूध लिया है। इस दूध को मैंने पहले एकदम अच्छे से बॉईल किया और उसके बाद में इसको मैंने फ्रीज में कम से कम इसे 5 से 6 घंटे के लिए एकदम अच्छे से ठंडा कर लिया है। ये कच्चा दूध नहीं है, अगर आप चाहें तो इसमें कच्चा दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम इसमें रोज़ सिरप मिलाएँगे, लगभग 1/4 कप जितना या 3 टेबल स्पून जितना आप इसमें रोज़ सिरप मिला सकते हैं, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें रोज़ सिरप मिला सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें ज़रा भी शुगर नहीं ऐड कर रही हूँ, खाली रोज़ सिरप से इसको हम मीठा करेंगे। और ये रोज़ सिरप मैंने दोस्तों घर पे ही बनाया हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। मैंने 2 तरह से रोज़ सिरप बना के तैयार किए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने सब्जा को 1 टेबल स्पून जितने सब्जा को हमने पानी में भिगो के रखा है 5 मिनट के लिए। फिर यहाँ पे हम इसमें तरबूज का जूस डाल देंगे, बारीक कटे हुए तरबूज के सारे पीसीस इसमें हम डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। ये तरबूज के पीस जब इसे हम पिएंगे और खाएंगे ना स्पून से, तब बहुत ही मज़ा आती है। तो ये तरबूज भी अगर हो सके तो आप इसमें ठंडा ऐड कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। इसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है, एकदम पिंक कलर हो जाता है दूध का। और इसके बाद ये हमारे सब्जा भी अच्छे से भीग चुके हैं 5 मिनट के बाद, तो ये भी इसमें हम मिला लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा मोहब्बत का शरबत तैयार हो गया है। अब आप चाहे जितने इसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए और इसे तुरंत ही ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। तो है ना आसान, बहुत ही एकदम 5 मिनट में बनने वाला ये मोहब्बत का शरबत। अगर आपको चाहे तो आप इसमें फ्रेश गुलाब के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जो सूखे गुलाब के पत्ते आते हैं उसे भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और भी आज मेरे पास नहीं थे तो मैंने इसमें नहीं ऐड किए, वरना आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा मोहब्बत का शरबत जो है तैयार हो गया है। अब इसे हम ग्लास में सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 4 ग्लासेस में इसे सर्व कर रही हूँ, मोहब्बत का शरबत। आप भी इस गर्मी में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तरबूज तो गर्मी में सबके घर में आते ही है, तो इस बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ में इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की और भी ईजी रेसिपीज़ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मैं आपके साथ में शेयर करती रहूं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी, है ना फटाफट से और कूल एकदम ठंडा ठंडा मोहब्बत का शरबत, दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे इस तरह से क्यूब से सजा सकते हैं तरबूज के, और पुदीना के पत्ते से भी सजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते रहेंगे इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।